आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पत्ता गोभी की कम तेल में बने हुए रसदार सब्जी। सर्दियों में पत्ता गोभी बड़े अच्छे मिल जाते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी की सब्जी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है। तेल हमने 2 टेबलस्पून डाला है, उसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाला है। जीरा को अच्छे से पकने देंगे। जब जीरा अच्छे से पक जाए तो 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे इसमें। हरी मिर्ची को पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज को जल्दी पकाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। नमक डालने से प्याज जल्दी पक जाती है, तो आप नमक का इस्तेमाल प्याज को पकाने के लिए कर सकते हैं। दो मिनट तक प्याज को अच्छे से पकाना है। जब प्याज थोड़े से नरम हो जाएंगे तो मैं इसमें ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज के आलू, जो कि स्क्वायर शेप में मैंने काट के रखा है, और इसे प्याज के साथ ही पकाएंगे। मैंने इसमें नए आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए। आलू को 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को बिल्कुल ऐसे ही काट लेना है और मैंने लगभग 1/2 केजी पत्ता गोभी इसमें मिलाया है। अब आलू के साथ पत्ता गोभी को भी करछी के हेल्प से मिला लेंगे और इसे भूनना है 5 मिनट तक। पांच मिनट बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप फ्रेश मटर। पत्ता गोभी भी बिल्कुल नरम हो चुकी है पक के। अब मटर को भी साथ साथ में भूनना है। इसको एक प्लेट के हेल्प से ढक देंगे और ढक करके 5 मिनट तक पकाना है। पांच मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फिर ऐड करेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, 1 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3 से 4 मिनट के साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट तक और भूनना है मसालों के साथ, ताकि मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा है और सब्जी भी भून के तैयार हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 ग्लास पानी।
अगर आप हाथ के हुनर चैनल पे नए हैं या अभी तक हाथ के हुनर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में मेरे पेज हाथ के हुनर को भी फॉलो करें। इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में फीडबैक के थ्रू ज़रूर बताएं और आप भी अपने घर पे ये रेसिपी बना करके ट्राई करें। आधा गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे एक प्लेट के हेल्प से ढक करके 3 से 4 मिनट तक पकाना है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर को मिला करके 2 मिनट तक पकाना है और हमारी ये सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। मैं सब्जियों में अक्सर लास्ट में गरम मसाला पाउडर मिलाती हूँ ताकि उसका जो स्मेल है और जो उसका टेस्ट है वो सब्जियों में बना रहे। दो मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटी हुई हरी धनिया और इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। पत्ता गोभी की रसदार सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे रोटी चावल या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। हाथ के हुनर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग हाथ का हुनर चैनल।